वो कहते हैं ना, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। अगर किसी के पास पैसा आना चालू हो जाता है तो उसे अपने आप ये सूझने लगता है कि चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझना और ट्रेडिंग एनालिसिस और डेटा को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आज हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में स्ट्रिक्ट प्राइस पे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, तो ये तीनों वर्ड क्या होते हैं और इसको डेटा में कैसे देखा जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारे इस चैनल पे ऐसे ही पैसे के बारे में वीडियो और ट्रेडिंग के बारे में वीडियो दिए जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मैं आपको डेटा ऑप्शन चेन में ले जाता हूँ डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट पे, और वहीं पे आप हम समझते हैं कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट नेट में सर्च करेंगे एनएससी सर्च ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे सामने देखिए आप इसी साइड खुल जाती है। यहाँ पे एक साइड में रहेगा कॉल और दूसरी साइड में रहे एक दूसरी साइड में रहेगा पुट और बीच में रहेगा ट्रिक पैज। तो आप इधर साइड में देख सकते हैं ट्रिक प्राइस कितना है। तो अभी फिलहाल चल रहा है ट्रिक प्राइस ओपन मार्केट में। हम इधर मार्केट में देख ले मार्केट मार्केट कहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अभी निफ्टी चल रहा है 19,390 के आजू बाजू एप्रोक्स। तो अभी इधर आप डिस्प्ले में देख सकते हो, अभी हम उसके एनएससी के जो चेन ऑप्शन है उसमें जाते हैं और वहां पे समझते हैं। तो अभी 19,400 यहाँ पे आपको ट्रिक प्राइस दिख रहा होगा बीच में, ये 19,400 ट्रिक प्राइस है। और ये साइड में जो है वो सब कॉल साइड है और ये साइड में पुट साइड है। तो 19,400 पे अभी ट्रिक प्राइस है, मान लो 19,400 पे ट्रिक प्राइस है। तो ये 19,400 हमारा हो गया एट द मनी, वो हमारा हो गया एट द मनी, यानी कि अभी जहां पे अप्रोक्स है वहीं पे ही वो हो गया एट एट, यानी अभी तुरंत जहां पे है। तो ये जो 19,400 है वो हमारा हो गया एट द मनी। और 19,400 के अंदर जितना भी आता है, मान लो 19,400 के अंदर जो भी है वो हमारा आएगा इन द मनी, यानी कि वो वैल्यूएबल है। मान लो कि 19,300 है तो अभी 19,400 पे तो मार्केट है, यानी 100 पॉइंट उसमें ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो वो इन द मनी यानी कि वो वैल्यूएबल होगा इन द मनी। तो 19,400 है उससे जितना नीचे होगा, 19,400 से जो जितना नीचे वो सब आएगा इन द मनी में, यानी 19,400 से जो कम है वो सब आएगा इन द मनी में। और 19,400 से ऊपर जो भी है वो आउट द मनी, और 19,400 से जितना नीचे जाएगा, 19,400 से जितना नीचे जाएगा वो सब इन द मनी है, यानी कि 19,400 से कम है वो इन द मनी है, और 19,400 से जो ज्यादा है वो सब आउट द मनी है। तो ये हो गई कॉल की बात, जैसे हो जाएगी अभी पुट की बात। पुट में इससे उल्टा होता है, मान लो 19,400 पे मार्केट है तो 19,400 हो गया उसका एट द मनी, और 19,400 एट द मनी हो गया, और इन द मनी क्या होगा पुट साइड की बात है, तो 19,400 से जितना ज्यादा है वो हो जाएगा इन द मनी, और 19,400 से जितना कम है वो हो जाएगा आउट द मनी। ये हो गया आउट द मनी। तो 19,400 से कम है तो आउट द मनी में आएगा पुट में, और 19,400 से ज्यादा है तो इन द मनी में आएगा। तो कॉल में और पुट में इन द मनी एट द मनी ऐसे होता है, आप अभी डिस्प्ले पे भी देख सकते हो। तो इधर जो 19,400 है उसके ऊपर जो भी आपको प्राइस दिख रहा है 19,350 के ऊपर जो भी, वो येलो में है कॉल साइड में, तो वो सब इन द मनी है। और ये व्हाइट में जो भी है वो आउट द मनी है, और 19,400 एट द मनी है। अभी हम पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड में उल्टा हो गया। देखो पुट साइड में, पुट साइड में 19,400 से नीचे जो भी है वो इन द मनी है, पुट साइड में 19,400 से जो कम है वो आउट द मनी है। तो 19,400 एट द प्राइस है, तो हमको जब भी कॉल या पुट लेना है तो हम आउट द मनी लेंगे तो उसमें इतना फायदा नहीं है। मान लो मार्केट 19,400 पे है और अगर 100 पॉइंट बढ़ गई है, यहाँ पे हम लेते हैं कॉल बरोबर, अगर मान लो 19,400 पे है और एक्सपायरी है और मार्केट 19,400 पे आके खत्म हो गई, तो आपने 19,400 पे कॉल लिया था तो 19,400 पे आपका हो जाएगा 0-0, क्योंकि 19,400 पे ही आपके आपने लेके रखा था। पर अगर आप वो इसको 19,350 पे लेते, 19,350 पे लेते, तो अभी ये 19,450
19,350। तो यहाँ पे जो 50 पॉइंट है वो आपको मिलते हैं, यानी कि आपके लोट मान लो निफ्टी में 50 का लोट होता है, तो आपका 50 × 50 यहाँ पे आपके 2,500 रुपये आपको फिर भी मिलते हैं। पर यहाँ पे अगर वही लोट एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, वही लोट आपने लिया होता 19,400 का और शाम तक मार्केट वहां गई होती, तो आपके पैसे 0-0 हो जाते आउट द मनी। इसको आउट द मनी को फेयर द मनी भी कहते हैं। वो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट चलो बहुत ज्यादा ऊपर खींच गई और आपको, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो सस्ता देख के लेते हैं, आउट द मनी फेयर द मनी लेते हैं और वहां तक मार्केट पहुंचती नहीं और उसको लास्ट में भले उसने ले लिया 400 पॉइंट दूर ले लिया, 19,400 पे चल रहा है अभी मान लो आज एक्सपायरी है और मार्केट भले 100 पॉइंट चली गई 19,500 पे चली गई 19,500 पे मार्केट चली गई, उसने लिया है क्या 19,600 लिया है 200 पॉइंट आगे, और या तो 19,500 भी लिया है तो भी उसका पैसा 0-0 है, 19,600 लिया है तो भी उसका पैसा 0-0 है। तो हमेशा एकदम मनी लेना चाहिए हमको, जहां पे मार्केट चल रही है उसके आजू बाजू ही एकदम मनी हम कॉल या पुट लेंगे तो उसमें मार्केट में जितने पॉइंट रहेंगे जितनी मार्केट इधर होगी उतना हमको ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये है इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी।